शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। लॉकडाउन के चलते गरीब, बेसहारा और जरूरतमंदों को भूखे रहने की नौबत आ पड़ी है। ऐसे में शहर के जूना पार्टी नाका भंडारा रोड के पूर्वा ऑटोमोबाइल्स मित्र परिवार की ओर से निःशुल्क भोजन का वितरण और अनाज किट का वितरण, यह कार्यक्रम पिछले 25 मार्च से लेकर अब तक के लगातार शुरू है, जिससे कई परिवारों ने इन्हें दुआएं भी दी है। आइए डालते हैं एक नजर। जरूरतमंदों को खाना खिलाने का काम शहर के कई स्वयंसेवी संस्थाएं कर रहे हैं, जिसमें से एक गायत्री अपार्टमेंट जूना पार्टी नाका भंडारा रोड के पूर्वा ऑटोमोबाइल्स मित्र परिवार की ओर से निःशुल्क भोजन वितरण पिछले 25 मार्च से निरंतर दिया जा रहा है। कोरोना वायरस के प्रचंड प्रकोप से समूचे विश्व में आतंक फैला दिया है। स्वयं की एवं स्वजन की सेहत एवं सुरक्षा को लेकर हर कोई भयभीत है। इस महामारी पर विजय हासिल करने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के चलते दो वक्त की रोटी के लिए जनता जनपद को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सक्रिय दानदाताओं के और निस्वार्थ सहयोग से पूर्वा ऑटोमोबाइल्स मित्र परिवार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। पूर्वा ऑटोमोबाइल मित्र परिवार की ओर से अब तक के लाखों लोग इस भोजन का और अनाज किट का लाभ ले चुके हैं और ये कार्य निरंतर जारी है। इस कार्य को करने के लिए हर कोई अपनी तन मन और धन से भी सेवाएं दे रहा है। देश की सीमा पर लड़ने वाले जवान जिस प्रकार से अपना कामकाज करते हैं और देश की रक्षा करते हैं, ठीक उसी तरह से पूर्वा ऑटोमोबाइल्स मित्र परिवार के संयोजक अशोक बम और तमाम उनके पदाधिकारी और सहयोगी ये काफी अच्छा कामकाज कर रहे हैं और जरूरतमंद भूखे और गरीब लोगों को खाना खिला रहे हैं। इस बार में आयोजकों ने इन विषय समक्ष जानकारी दी। दर्शकों नमस्कार, इस समय में इन विषय की टीम सोनबाजी नगर के भंडारा रोड पर है, जहाँ पे पूर्व ऑटोमोबाइल्स मित्र परिवार की ओर से पिछले कई दिनों से 25 मार्च से लेके अब तक के लाखों लोगों को अनाज का वितरण किया गया है। ये तमाम लोगों का कार्य आज भी निरंतर चालू है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये अनाज का पैकिंग किया गया है, कई लाख ऐसे पैकेट बना के इन्होंने सबको बांटा है। आइए और कुछ जानकारी इनसे लेना चाहेंगे। इस समय में तमाम यहाँ के जो संयोजक है और इनके कार्यकर्ता गण यहाँ पे मौजूद है। हम सबसे पहले अशोक बम इनसे जानना चाहेंगे। जैन साहब, ये बताएं कि जिस तरह से कामकाज कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो आप? जय जिनेन, मैं पूर्व ऑटोमोबाइल मित्र परिवार के तरफ से अशोक बम। भगवान महावीर का यही संदेश था, जियो और जिने दो, भूखे को रोटी मिले। इसी संदेश को हम आगे बढ़ाते हुए दिव्यांग, असहाय, बेसहारा और जो रोज कमा के रोज खाने वाले हैं, ऐसे गरीब लोगों को इनको सब्जी रोटी और पुलाव ये बना के देने का प्रयत्न किया है और निरंतर हम दे रहे हैं। आज तक 3,94,526 रेडी फूड पैकेट और 345 राशन किट ऐसे लोगों को, ऐसे निडी परिवार को दी गई है, जिनके पास जो दिव्यांग है, जिनका पैर नहीं है, हाथ नहीं है, कमा नहीं सकते, ऐसे जो एकदम बेसहारा और गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों को हमने निरंतर राशन पहुंचाया है। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे और हम इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहे और हर संभव हम लोग इस काबिल बने कि हर संभव उनकी मदद करते रहे। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस भारत में आई विविधता में कि हमको इस काम में सबको कोई भूखा ना रहे। हमने ये हमेशा पूरी कोशिश की है कि सेल्फ डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकारी गवर्नमेंट्स के जो भी नॉर्म्स है उनका पूरा पालन करते हुए, उनका नियम पूरे अमल में लाते हुए निरंतर वही प्रयास और वही कोशिश किए है कि कोई भी नागपुर शहर में भूखा ना सोए, इसी तरह से हमने निरंतर प्रयास किया है। वीर जी, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो विपत्ति अभी आई है तो इसको दूर सोशल डिस्टेंसिंग से ही किया जा सकता है। कोई वैक्सीन तो है नहीं, बनी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो गरीब आदमी बेचारा, मजदूर जो फंस गया है,
उसको भोजन भी मिले, तो ये प्रयास किया है हमारी संस्था ने, आगे भी करते रहेंगे, जैसा जैसा होगा वैसे करते रहेंगे। बाकी तो भगवान के हाथ में है, जो भी वो करें और हमारे से जो अच्छा करवाएं वो हम करने को तैयार हैं। तो इस तरह की कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं जो बखूबी के साथ काम कर रहे हैं और कई हजारों लोगों को, लाखों लोगों को इन्होंने अनाज का वितरण किया है, खाना भी बांटा जा रहा है, बेसहारा ज़रूरतमंदों को जो भूखे सो रहे हैं ऐसे लोगों के पास जा जा के इन लोगों ने खाना दिया है, क्योंकि ऊपर वाले ने चोच दिया है, दाना भी ऊपर वाला ही देगा। ऊपर वाला भूखा रखता जरूर है मगर भूखा सुलाता नहीं है, इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए जिस तरह से पूर्व ऑटोमोबाइल्स मित्र परिवार भंडारा रोड के जानिब से जो कार्यक्रम किया जा रहा है वह अद्भुत है, बेमिसाल है, क्योंकि COVID-19 यानी कोरोना इस महामारी की रोकथाम एवं जन जागृति करने का काम भी इसी खाने के माध्यम से भी किया जा रहा है। फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगाना हो, सैनिटाइज करना हो, या हमें लॉकडाउन के चलते घरों में क्यों न रहना हो, ये तमाम बातें इस अनाज के साथ साथ जन जागृति का काम भी इसी पूर्व ऑटोमोबाइल्स मित्र परिवार की ओर से किया जा रहा है। एक बात तो तय है कि आज पूरे भारत में और शहरों में और कई ऐसे परिसर में इस तरह के स्वयंसेवी संस्था जो काम कर रहे हैं वो तारीफ़ काबिल है, क्योंकि भूखे को खाना देना ये सबसे बड़ी मानवता है और यही सबसे बड़ा धर्म है। और सबसे श्रेष्ठ अगर कोई दान में दान है तो वो है अन्नदान, और इसी भोजन दान को बखूबी के साथ आज लोग लाखों लोगों तक पहुंचाया गया है। नागपुर के भंडारा रोड से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इन बी सी एन न्यूज़ नागपुर।